अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सोमवार पूरा, अब भोलेनाथ की जिम्मेदारी है मेरे लिए दुनिया का सबसे अच्छा लड़का ढूंढ के लाने के लिए। श्रद्धा रख के पूजा की है तो विश्वास भी रख, वैसे पूजा अभी बाकी है। रख लिए ना? हाँ दी, सब रख लिया, देखो। सॉरी दिखता नहीं है। तेरे नहीं तो मैं। सॉरी। उसने जानबूझकर टक्कर थोड़ी मारी है दी। चल शेरनी कहीं की। आप नहीं होते ना तो बताती इसको मैं। गलती से लग जाता है, हो जाता है। पहुंच गए भोलेनाथ जी के दर्शन करने, बस अब वो पुकार भी सुन ले जल्दी से। मैं देख रही हूँ तुझे शादी करने की बड़ी जल्दी मची है। मेरा बस चले ना तो वो जो कारपेंटर यूज करते हैं ना, उस वाले गोंद से खुद को आपसे चिपका लूं। लेकिन माँ, माँ का बस चले तो आज शाम को ही मेरी बारात ले आए। दी पहले आप चढ़ाओ ना। नहीं, ताई जी ने बोला था पहले तू चढ़ा। दी क्या फर्क पड़ता है, पर इससे ताई जी को अच्छा लगेगा ना, तो तू चढ़ा। हे भोलेनाथ, आप जानते हैं मैंने शुरू में ही आपसे कह दिया था कि ये 16 सोमवार का व्रत ये मेरा नहीं, मेरी किरण के नाम का है। बस इसे कोई अच्छे घर का लड़का मिल जाए जो दिल से उसे प्यार करे, बहुत खुश रखे इसे। रही मेरी बात तो आप जानते हैं मेरा सपना क्या है। दुनिया की हर सजती दुल्हन ने मेरे हाथों से सजाया लहंगा पहना हो और पहन के परी सी लगे वो। थोड़ी खुशियाँ बांट सकूँ और थोड़े पैसे भी कमा सकूँ ताकि इसकी शादी अच्छे से करवा सकूँ, घर का कर्जा उतार सकूँ। बस छोटा सा दिल, छोटी सी आशा। पद्मा मौसी की बेटी और भतीजी है ना? रिश्ते में तो बहने हैं पर एक दूजे से कितनी अलग हैं। बनाने वाले ने एक को सांझ तो एक को सवेरा बनाया है। लड़कियों का रंग तो पहले देखा जाता है, इसीलिए तो छोटी का रिश्ता चौखट पर आकर ही वापस लौट जाता है। जिस कान्हा की आप पूजा कर रही हैं, जानती है उनका रंग क्या था? सांवले से भी पका हुआ। विष पीकर तो शंकर जी भी नीलकंठ कहलाए थे ना, और काली माँ को तो दुनिया पूछती है। जाने दो ना दीदी, कहते हैं ईश्वर के पास आकर सबकी आंखें खुल जाती है। कभी आपकी खुले तो देखिएगा, चेहरे के रंग से नहीं दिल के रंग से फर्क पड़ता है। चल गुस्सा छोड़ दो ना दीदी, और ये बताओ मैं शाम को कौन सी ड्रेस पहनूं, मुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं। ड्रेस निकाल के रख दी है तेरी, और ये उस ड्रेस के लिए चुनरी मंदिर लेकर आई थी ताकि इसे भी ईश्वर का आशीर्वाद मिल सके। वाओ दी। चल
19 बार चाय पिला चुके हम तुझे। अरे पद्मा भाभी, आपकी सारी चाय का हिसाब किताब हम पूरे ब्याज के साथ चुकता करेंगे। इतना अच्छा रिश्ता लेकर आए हैं इस बार। ये देखिए, यही लड़का आ रहा है अपने परिवार के साथ हमारी किरण को देखने। लड़का लाखों में एक है, बहुत बड़ा कारोबारी खानदान है, और तो और इनका घर घर नहीं है तो कोठी है कोठी। देखो, जी तो कर रहा है कि अभी के अभी तेरे मुंह पे घी शक्कर दे मारे। भगवान करे तेरी जबान इस बार फले और ये रिश्ता पक्का हो जाए। हो जाएगा भाभी, कम से कम हमारे जीवन से ज्योति नाम का ग्रहण तो टले। ये तो कितनी सादी सी थी, आपने तो इस पर जादू कर दिया। आज शाम को मैं इसे ही पहनूंगी। थैंक्स दी, आपने तो टेंशन ही दूर कर। चल जल्दी चल, और ये चुनरी मुझे दे दे, मैं रख लेती हूँ बैग में। ये लो, ये थाली पकड़ना। किरण, ये क्या उजड़े बगीचे के सूखे फूल जैसी हालत बना रखी तूने? जहां जाके कपड़े उपड़े बदल। पद्मा भाभी, बात कपड़े बदलने की नहीं, साथ बदलने की है। अगर किरण ने ज्योति का साथ नहीं छोड़ा तब मैं क्या बोलूं? आप तो खुद जानती हैं, पहले भी शहर के 3 लड़के ज्योति की वजह से आपकी बेटी किरण को ना बोल चुके हैं। भाभी, इस बार ये रिश्ता दूसरे शहर का है, लड़के वालों ने ज्योति और किरण को देखा नहीं है। आप तो बस लड़के वालों के सामने ज्योति को मताने देना। देख विमला, अगर तमीज से रहे कोई तो हम प्यारी हैं, पर धूर्तबाजी करे तो अपन कटारी हैं। मैं तो ना राम जी से इतनी नाराज हूँ कि 11:15 का बोल के और 5:15 का प्रसाद चढ़ती हूँ। बस काय 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 की जीवन भर भगवान जी के माथे पे तिलक लगाती रही, और भगवान जी ने ज्योति नाम के कलम काटी का हमारे जीवन पे लगा दिया। मतलब मेरी बेटी को बनाते हुए भगवान जी के पास गोरा रंग खत्म हो गया, जैसे कि सारा का सारा गोरा रंग इस ज्योति के मुंह पे पुताड़ के भेज दिया। एक तो कमबख्त इसके मुंह पे कोई दाग धब्बा भी नहीं लगता कि कभी तो ये मेरी बेटी से 19 लग जाए। ताई जी आपकी चाय ले। अच्छा ताई जी, आधे घंटे में आप सेब खाओगे या अमरूद काट दूं? अच्छा सुन ताई जी, डोंट वरी, मुझे पता है वो लोग किरण को देखने 2 बजे आ रहे हैं ना, मैं 6 बजे से पहले दुकान से नहीं आऊंगी। बड़ी शानी बन रही है, 1 मिनट इधर आ जरा। जी ताई जी। ये ले जाके रसोई में धर दे, और जरा संभाल के अवस्थी जी के यहाँ से आए, शाम को मेहमानों को इसी में चाय नाश्ता परोसना है। जी। और खाना बन गया क्या दोपहर का? अभी की सब्जी बना दी है, और शाम का? एक मिनट, शाम की ही क्यों? तू एक काम कर, अगले जन्म की रोटियां भी अभी सेक के रख दे। शाम की शाम को देखना, अभी फिलहाल तू एक बात याद रख, शाम से पहले घर के अंदर
पैर नहीं धरना, समझी? जी। फोन 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 आया, उठा ना, उठा उठा। कोई दुनिया की सबसे बड़ी बिजनेसमैन हमारे घर में तो रहती है, फोन आ गया मैडम का। टू मच हामा दी, आपसे इतना इज्जत से बात करती है। किरण दी प्लीज, दी आपसे इतना इज्जत से बात करती है और आप उनसे ऐसे बात करती है जैसे वो इस घर की नहीं कोई दुश्मन हो, बल्कि आपको तो उन्हें मुझसे ज्यादा प्यार देना चाहिए, आप उनकी माँ की जगह हो। किरण, ताई जी की जगह अगर मेरी माँ होती तो क्या उन्हें मुझ पर गुस्सा होने का हक नहीं होता? दी प्लीज आप कुछ मत बोलिए, मैं बात करती हूँ। माँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, जब भी मुझे कोई देखने आता है आप ज्योति दी को घर से भगा देती है। सुन किरण, तमीज से रहे कोई तो हम प्यार ही हैं, और धूर्तबाजी करे ना तो कटारी है। हाँ हाँ पता है मुझे, बहुत बार सुन चुकी हूँ। अच्छा, बड़ी जबान चलने लगी तेरी, आइंदा करो उनसे जबान लड़ाई ना तो एक रख के। खून निकल रहा है, चलिए ना हॉस्पिटल चलते हैं। अरे नहीं, हल्दी लगा लूंगी, अभी ठीक हो जाएगा। देखा आपने, जिसके लिए आपकी जुबान जहर उगल रही है ना, उस दी ने आपकी चोट अपने शरीर पर ले ली। क्यों दी के लिए इतनी नफरत है आपके दिल में, क्यों इतनी करवाहट भर रखी है आपने अपने अंदर? वो शुगर के मरीज है ना हम, तो क्या है कि थोड़ा बैलेंस करने के लिए। बैलेंस? हाँ हाँ वही वही, बैलेंस करने के लिए थोड़ा कड़वा बोलना पड़ता है हमें। क्या समझे कि नहीं तू? जब खुद माँ बनेगी ना तब समझ में आएगा, हम जो भी ये सब कुछ करते हैं ना तेरी भलाई के लिए करते हैं, समझी? अच्छा ताई जी मैं चलती हूँ। अरे महारानी जी, घर का जरा काम निपटा करके सरकिएगा है। हाँ ताई जी सब हो गया। दी आप जाओ, हाँ पर मैं देख लूंगी। हेलो मैडम, मैं कावेरी डिजाइन स्टूडियो से बात कर रहा हूँ। हमने आपको जो ऑर्डर दिया था वो रेडी हुआ कि नहीं? आज देने की बात हुई थी ना, ना आप कॉल पिक कर रहे हैं और ना ही आपके पिताजी कॉल पिक कर रहे हैं। मैं बस थोड़ी देर में दुकान पहुंच ही रही हूँ, आपको आपका लहंगा 2-3 घंटे में मिल जाएगा। जी आप फोन क्यों उठा रहे हैं? माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। अरे तो मुझे माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। नाम हरि, दिल का ये काला है, जहर का प्याला है, बात करे कोई ना हरी। नाम हरि। अरे ज्योति जी, अभी तो कठपुतली की तरह उल्टा लटका है, आपका हुक्म तो नचाना शुरू करें। हैं? तुम? अरे बाप रे, इतना गुस्सा, हमें तो लगा था खुश हो जाओगी, शाबाशी दोगी। खैर सुबह बहुत लहरा रहा था, नहीं तुमसे टकराया था। हमारे होते हुए कोई तुम्हारे साथ ऐसा करे? नहीं 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 नहीं, हो नहीं सकता। इसे नीचे उतारो अभी। अरे अरे सुना नहीं हमारी फंटी ने क्या कहा? उतारो भाई उतारो, चमगादड़ को नीचे उतारो उतारो। ए रुक रुक रुक, घूर क्या रहा है बे? भाभी है तुम्हारी, चल माफी मांग वरना ही खड़े खड़े गाड़ देंगे। मुझे माफ कर दो प्लीज। मुझे पता है आपकी कोई गलती नहीं थी, जो भी हुआ उससे मैं बदल तो नहीं सकती, पर उसके लिए माफी, आप जाइए। अरे बैठो बैठो, देखा हमारी इनका दिल कितना नेक है, अब निकलो वरना ऐसा कंटाप देंगे कि संताप में आ जाओगे।
दुखी है ना, माँ कसम भन्नाट अदा है तुम्हारी। वैसे एक बात है, शायद तुम्हें अच्छी ना लगे, पर जो है सो है। जब तुम दरवाजा खोलकर बाहर आई और चिलगुजा तुम्हारे सामने टपक सा गिरा और जो तुम्हारे तोते उड़े ना, वो जो मुझे डर आया ना तुम्हारे चेहरे पे, उसमें तुम और भी ज्यादा प्यारी गजरारी लगी। गलत फहमी है तुम्हारी हरी, मैं तुमसे डरती नहीं हूँ, और मेरे रक्षक बनने की कोशिश करना तो छोड़ ही दो। ये अधिकार मैंने तुम्हें नहीं दिया है, और तुम होते कौन हो मेरी जिंदगी में दखल देने वाले। मैं अपनी सुरक्षा कर सकती हूँ, सबसे और तुमसे भी। रास्ता छोड़ो मेरा हरी, बहुत काम है। काम? वो तुम्हारी छोटी सी पान की टपरी से दुकान जहाँ तुम काम करती हो, जो हमारे यहाँ गिरवी पड़ी है, उसमें काम की बात कर रही हो? बतौलबाजी ना हम करते हैं और ना सहते हैं, इसलिए इज्जत से कहते हैं। थोड़ी इज्जत दे दिया करो, वरना उस दुकान पे कब ताला लग जाए, कब आग लग जाए, और कब कोई ट्रक आके भिड़ जाए, किसे पता। ट्रेन में, बसों में, मंदिरों में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ पढ़ा होगा तुमने, यात्री अपने सामान की स्वयं रक्षा करे, और ये तो मेरी जान है। तो छूना तो दूर की बात, किसी ने आंख उठा के भी देखा ना तो आंखें निकाल लूंगा उसकी, और अगर हमारी प्यारी ने किसी को आंख उठा के देखा ना तो वो प्यारी से बेचारी हो जाएगी। पापा को, पापा, 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 हे महाकाल, पापा, पापा, अरे दुकान बंद है भैया। पापा मैं ज्योति, पापा ज्योति, 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 इसमें, इसमें, इसमें मेरे को कोई गलती नहीं है भैया, कोई गलती नहीं है। अपन तो बैठे थे ऐसे पूजा पाठ करके काउंटर पे, इतने में वो क्या नाम, अरे वो जितरे बाल वाला, वो अरे वो हरी 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 आ गया, तो उसके सामने बोतल, साथ में सेव परमल का पैकेट सामने धर दिया मेरे, और फिर बोला नहीं भैया, नहीं नहीं नहीं, अपन ये नशा पत्ता अपन छोड़ चुके, कल ही छोड़ चुके, अपन नहीं करते ये सब। तो बोला नहीं अंकल, आज प्रसाद की मिठाई है। उसने कहा और आपने, आप उठिए, संभल के उठो, उठो, संभल उठो, के। और आप हरी से मुंह ही क्यों लगाते हो, बैठो। दुकान में शराब हमारे काम करने की जगह है, मंदिर की तरह है। ये लीजिए आराम से। और एक हरी वो मुसीबत खड़ी करने का कोई मौका नहीं छोड़ता, पैसे ही लिए ना चुका देंगे, चुका देंगे, चुका देंगे, आराम से, आराम से, आराम से चुका देंगे। हेलो मैडम, मैं कावेरी डिजाइन स्टूडियो से बात कर रहा हूँ। आपका वो ब्राइडल गियर अभी तक डिलीवर नहीं हुआ है, कैसी सर्विस है आपकी? मैडम हमको नहीं पता था कि आप इतने अनप्रोफेशनल हो। डिलीवरी डेट आज थी ना, और आज का दिन अभी खत्म नहीं हुआ है, आपको आपकी डिलीवरी आज मिल जाएगी। दो घंटे, ठीक दो घंटे में मैं अपने ऑफिस के स्टाफ को भेज रहा हूँ, इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। शायद आपको हमारे बॉस वेदांत का गुस्सा नहीं पता है, बड़ी प्रेजेंटेशन है ये। आप दो घंटे में किसी को भेज दीजिएगा, आपको आपकी डिलीवरी मिल जाएगी, वो खाली हाथ नहीं लौटेगा। अभी तो कपड़े की कटिंग भी नहीं हुई है,
दो घंटे में सब कैसे पूरा होगा? इस सैंपल के रेडी नहीं होने की वजह से इतना बड़ा ऑर्डर हाथ से निकल गया तो नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। दो घंटे में कैसे भी पूरा करना होगा। परीक्षा की घड़ी है माँ, मेरे साथ रहना, अभी ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगी। जागती आंखों से सपनों को जीकर पूरा करने निकले, जागती आंखों से सपनों को जीकर पूरा करने निकले, दिल में लेकर अपनों को खाली झोले भरने निकले, हर सांस में नई जिंदगी पिरोती, उम्मीदों से सजी झोपड़ी, सुनिए बहन जी, कावेरी डिजाइन स्टूडियो से आया हूँ, पीस रेडी है? बहन जी मेरा पीस रेडी है? बहन जी अभी तक रेडी नहीं हुआ, आपने दो घंटे का समय मांगा था। आपको पता है ना कावेरी डिजाइन स्टूडियो के साथ वादा करने का क्या मतलब होता है? आप जैसे लोग जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। मैं अभी बॉस को फोन करके बोलता हूँ कि आगे से तुमको कोई भी ऑर्डर न दे। रुकिए, ये रेडी हो गया। ठीक है, बचा लिया आज। देखा आज कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए बोलती हूँ ये सब छोड़ दो। शराब को आपने कमजोरी बना लिया पापा। तो ये हरी आपकी कमजोरी का फायदा उठाता रहता है, सुन रहे हैं आप? ना बेटा, अपने पापा का ख्याल रखना, वो दिल के बहुत कमजोर है, मेरे जाने के बाद बहुत अकेले पड़ जाएंगे। अकेले कैसे माँ? अरे तो अकेले कहाँ है, मेरा आशीर्वाद है ना हमेशा तेरे साथ। बस तू मुझसे वादा कर, तू अपना और अपने पापा का ख्याल रखेगी। वादा करती हूँ माँ, मैं अपना और अपने पापा का ख्याल रखूंगी। अपना वादा कभी नहीं भूलूंगी माँ, बस आप हमेशा मेरा साथ देना। लड़के वाले तो अभी तक आके चले गए होंगे, किरण का अभी तक फोन क्यों नहीं आया? क्या हुआ, ये लड़के वाले आए क्यों नहीं अभी तक? 2 बजे का बोला था। हाँ बिमला, ये क्या हुआ भाई, कहाँ रह गए लड़के वाले? देख बिमला, दोपहर में भी सारी तैयारी करके रखी है हमने, जो आधी कुत्तों के पेट में गई है और आधी कल सुबह बासी खानी पड़ेगी हमें चाय के साथ। बस बस भाभी, बस आते ही होंगे, मैं भी तो बस यहीं खड़ी हूँ। देख सुन ले, जो तमीज से रहे कोई ना तो हम प्यार ही हैं, और जो धूर्तबाजी करे तुम कटा रही हैं। अरे माँ जब ना हो गया आ जाएंगे, तुम आओ आराम से बैठो पहले। ऐसे कैसे, किसी के घर जा रहे हैं, किसी को टाइम दे रखा है तो वो इंतजार करेगा। सुन हेलो, ए हेलो, अरे माँ बैठो आओ। कल मोयापुर की रानी फोन काट दिया, मुंह पे फोन काट दिया। कोई नहीं, कोई बात नहीं,
एक बार रिश्ता हो जाने तो फिर तो आएंगे ना कमीशन लेने के लिए। तो नाक के बल ना नचवाया ना पदमाना आदमी। हाँ हाँ माँ नचवा लेना, अभी तो शांत हो जाओ। हाँ ठीक है शांत। तू तो कपड़े क्यों नहीं बदले अभी तक, चल इधर। हाँ जल्दी कर, आते हो गए वो लोग। अब तक तो लड़के वाले चले गए होंगे। किरण लगते वो लोग आ गए। तू मनहूस, तू कहाँ से आ गई इस वक्त? आइए ना भाई साहब। वो लोग आ गए। नमस्ते जी, नमस्ते, नमस्ते। आप तो बस लड़के वालों के सामने ज्योति को मताने देना। अजी अब नौकरानी है हमारे।